हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक और नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूपीएससी की तरफ से। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी के अंदर रिक्रूटमेंट आई है 2024 के रिगार्डिंग। फर्स्ट रिक्रूटमेंट ये रहने वाली है आपकी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताऊंगी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना कितना सीट है, किस विंग में आपका सिलेक्शन होगा, एग्जाम की पैटर्न क्या होगी। ओवरऑल हम लोग डिटेल में इस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इसको लेकर इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच करना। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आपको बताया है, यूपीएससी में एनडीए फर्स्ट रिक्रूटमेंट आई है 2024 के रिगार्डिंग। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूपीएससी होता क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर रिक्रूटमेंट आई है। तो इसमें आपका जैसे एनडीए है, नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी, दोनों के लिए रिक्रूटमेंट आई है। ओवरऑल अगर आप पोस्ट को देखो तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 400 रखा गया है। आइए देखें कि किन पोस्ट के ऊपर किस विंग में आपका होगा। एनडीए मेल एंड फीमेल के लिए जो विंग होता है ना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इसके थ्रू होगा। नेवल एकेडमी में 10+2 कैडेट एंट्री की जाएगी आपकी। चलिए पहले देख लेते हैं कितना कितना सीट रखा गया है। एनडीए में जो आर्मी विंग है उसमें 208 सीट है, जिसमें से फीमेल के लिए 10 सीट रखा गया है। नेवी में टोटल 42 सीट है, जिसमें से फीमेल के लिए 12 सीट रखा गया है। एयरफोर्स के लिए 120 सीट है, फीमेल के लिए 6 सीट इसमें से है। नेवल एकेडमी में 30 सीट है, फीमेल के लिए 9 सीट है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा फीमेल के लिए जो मैंने सीट आपको बताया है। ओवरऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें से 37 सीट रखा गया है। रही बात की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, एनडीए मेल एंड फीमेल के लिए सिंपली जिन्होंने 10+2 पास आउट कर रखा है इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, डजंट मैटर आर्ट, साइंस, कॉमर्स क्या था उनका, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेवल एकेडमी के लिए ना आपके पास 10+2 होना चाहिए, जिसमें कि मैथ और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट आपने 10+2 में अगर आपने पढ़ाई की है तो ही आप यहाँ पर नेवल एकेडमी में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब आगे जान लेते हैं कि इन सभी सीट्स के लिए आपकी फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगी। आपकी फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 20 दिसंबर से। लास्ट डेट टू अप्लाई 9 जनवरी 2024 रहने वाला है। मतलब 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आप 9 जनवरी तक के इंतजार नहीं करना है। आप इंटरेस्टेड हो, जितना जल्दी हो फॉर्म अप्लाई कर दो, ज्यादा बेटर होगा। बाद में सर्वर इशू वगैरह फेस करने से अच्छा है कि समय रहते आप फॉर्म को अप्लाई कर दो। फॉर्म की जो फी रखी गई है फ्रेंड्स, जनरल एंड ओबीसी से लिया जाएगा 100 रुपीज एंड अदर कैंडिडेट 0 रुपीज, और साथ ही साथ ऑल कैटेगरी फीमेल से भी कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। अब रही बात कि इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, तो आपका ऑफिशियली एनडीए के थ्रू एग्जाम डेट भी यहाँ पर यूपीएससी ने क्लियर कर दिया कि एनडीए का जो पेपर है ना 21 अप्रैल 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब 21 अप्रैल डेट याद रखना है आपके पास। मतलब मुश्किल से 4 महीने का समय है, उसमें तैयारी में आपको जुट जाना है, स्पीड बढ़ा लेनी है। जो भी आप पहले से तैयारी कर रहे हो उसकी स्पीड को बूस्ट करोगे ताकि 21 अप्रैल में आपका पेपर है तो आप अच्छा कर सको एग्जाम में। आइए अब जान लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रखी गई है। 16.5 साल से लेके 19.5 साल के बीच के जो भी कैंडिडेट है, चलिए देख लेते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया, बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2005 टू 1 जुलाई 2008, मतलब 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच जिन भी कैंडिडेट का जन्म हुआ वो सभी इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 2 स्टेजेस। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन। यूपीएससी के थ्रू जो भी पेपर होते हैं ना, आपको रिटन ही होते हैं।
ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर मोड में आपको ये पेपर देना होगा। उसके बाद इंटरव्यू होता है जो SSB के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम की पैटर्न क्या रहने वाली है, क्योंकि सिलेक्शन की फर्स्ट स्टेज ही है कि आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। और जो आपका पेपर होगा ना फ्रेंड्स, दो पेपर होगा, मैथ्स की होगी और जनरल एबिलिटी टेस्ट होगी। मैथ्स का जो सब्जेक्ट कोड है 1 और जनरल एबिलिटी टेस्ट का 2 आपका 02 रहने वाला है कोड। टाइम की अगर बात करें तो दोनों ही पेपर ढाई ढाई घंटे का होगा, ओवरऑल 5 घंटे का पेपर होता है। मार्क्स रहता है आपका 300 और 120 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। मैथ्स के लिए आपको देख लिया आपने, जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपका 600 मार्क्स का रहेगा और 150 आपको यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। 1/3 का निगेटिव मार्किंग दोनों ही सेशन में रहेगा। जैसा आपको बता दूं, 5 घंटे का पेपर है, आप एक ही दिन में ये 21 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आप जैसे ही जाओगे तो ढाई घंटे का एक पेपर मैथ्स का होगा, बीच में आपको हाफ एन आवर या 1 आवर का गैप रहेगा, और सेम डे आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट भी हो जाएगा। जिस सेंटर पे आपका पेपर रहेगा वहीं पर आपको फिर 2nd शिफ्ट में जनरल एबिलिटी टेस्ट होगी। तो आइए बता देती हूँ जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या रहेगा। इसमें फ्रेंड्स आपको इंग्लिश के 200 मार्क्स के रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलेंगे। जीके के रहेंगे आपको 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स है जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये मेजर पार्ट है, इस पे आपको मोस्टली वर्क करना है। और मैथ्स तो जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका मैथ्स बेहतर होता है, वही मोस्टली बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। सो आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गई होगी। और इसमें जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू निकालोगे, सिलेक्शन हो जाती है, तो आपको जो सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में 56,100 रुपीज़ की सैलरी है। ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आपके यहाँ पे कराई जाती है। जैसा आपने देखा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर लेवल की आपके यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। तो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के टाइम ही स्टार्टिंग में 56,100 रुपीज़ मिलती है। पर ईयर की इंक्रीमेंट और आफ्टर आपका जो हर साल बढ़ता है उससे आपको 1,77,500 रुपीस की सैलरी बाद में हो जाती है, मतलब 2 लाख के अप्रोक्स सैलरी आपको बाद में मिलेगी। सो आई होप कि आपने सारा कुछ अच्छे से समझ लिया हो। कहीं पे भी कुछ डाउट्स वगैरह है आप कमेंट सेक्शन में पूछना, अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन जो आया है ऑफिशियल वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, तो वहां पे जाके डाउनलोड करके थॉरो आउट आप खुद से अच्छे से उसको एक बार रीड कर लेना। और फ्रेंड्स मेरे, आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सब पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।